बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बेग। आज नाज़रीन मैं आपके सामने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या का जिक्र करूंगा। आज एक मिल्लत पार्क बस्तामी रोड के ऊपर एक कत्ल की लर्जा खेज वारदात होती है, जिसके नतीजे में दो दोस्तों को फायर लगते हैं। एक मौके पर जाँ बहक हो जाता है और दूसरा अभी तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जो इस वक्त कत्ल हो चुका है उसके वालिद साहब हैं, जो हमारे एमरा न्यूज़ के ऑफिस में आए, दाद रस्सी के लिए आए। दो माह से तकरीबन ये केस चल रहा है, लेकिन उनकी किसी जगह पर भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है, मुलज़म अरेस्ट हो चुका है लेकिन उसको बेगुनाह करार दिया जा चुका है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर हमारे ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। बात करेंगे कैसे ये सारा मामला पेश आया और कौन लोग थे जिन्होंने ये कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अच्छा, ये क्या मामला है जो ये सारा वाकया पेश आया? पहले नंबर पर जो कत्ल हुए हैं वो आपके क्या लगते थे? जो कत्ल हुए वो मेरा मंझला बेटा था। मंझला बेटा, बड़े से छोटा? अच्छा, बड़े से छोटा बेटा था। बड़ा ये था। अच्छा, ये आप बड़े बेटे हैं, वो इनसे छोटे थे? अच्छा, तो ये क्या सारा मामला था जो ये यहाँ तक बात पहुँची कि उसको कत्ल कर दिया गया? कौन लोग थे ये? वो ऐसे कुछ 4-6 माह पहले की बात है, या इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कि वो किसी कंपनी वाटर कंपनी में नौकरी करता था। ठीक है। वहाँ से उसको तनख्वाह मिली तो वो तनख्वाह बत्थाखोरों ने छीन ली, तो बत्थाखोरों के खिलाफ उसने फिर पर्चा दर्ज करवाया, उससे उनका दुश्मनी का आगाज हो गया। अच्छा, वो उन्होंने उसकी तनख्वाह छीनी थी, उसने उनके ऊपर एफआईआर करवा दी जी। और उस एफआईआर की उन्होंने जो है वो रखी के जैसे खुंदक रखते हैं बंदा, कि ये इसने मेरे ऊपर एफआईआर करवाई है, मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एफआईआर हो गई। हालांकि कोई जाती दुश्मनी या कोई रंजिश या कोई ऐसा और नहीं कोई लेना देना था। हमारे देहातों में होता है कि जमीन पे कब्जा हो गया, कोई औरत का मसला हो गया तो लोग कत्ल कर देते हैं। ये क्या हुआ, तनख्वाह छीन ली, उसने पर्चा दर्ज करवा दिया और उन्होंने बंदा ही मार दिया। ये तो ऐसे मारा जैसे कबूतर मार दिया। अच्छा, ये कब का वाकया कत्ल? ये रमजान से एक दिन पहले का वाकया है। शादीशुदा थे आपके बच्चे? शादीशुदा था। कितने बच्चे थे? एक बच्ची 4 साल की तकरीबन, वो भी अब नॉर्मल। अच्छा अच्छा अच्छा। बीवी को मैंने सुना है कि तलाक दे चुका है, लेकिन मुझे सही कंफर्म नहीं है। तो उसकी कफालत कौन कर रहा है? वो इस वक्त तो बच्ची अपने ननिहाल में है जी। याद करती होगी अपने पापा को? हाँ, करती है, छोटी सी बच्ची। आपको भी अपने बेटे की याद आती होगी? हाँ, मैं गया हूँ 1-2 बार उनके घर, बस याद। देखें जी, मेरा पला पलाया 27 साल का जवान बेटा था, उसकी उसके साथ किसी के साथ कुछ जाती रंजिश जो दुश्मनी या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उसका, वो तो एक आम सा बंदा था। किस तरह उन जालिमों ने मारा इसको? बस ये ज्यादा डिटेल में तो ये मेरा बेटा बताएगा, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये फिरते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनका ज्यादा इसको ये ज्यादा बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये कत्ल किया? ये था, ये बस्तामी रोड का गोगा गुजर, मुश्ताक उसका नाम है, उस गोगा गुजर उसे कहते हैं। उसकी पुश्त पनाही में ये सारे शूटर उसने रखे हैं। जब मेरे भाई ने, जब मेरा राफा लंबा, नुमान रियाज उर्फ टिडी गुजर, मेहर शैबी, ठीक है, एक और अब नाम जेन से नहीं है, एक और है, शैबी है, जेबी है, मैरी के नाम से ना, ये उसके पुश्त पनाही में ये सारा समना बाद में से खौफ हरास उसने बनाया हुआ है। हर बंदे से बत्ता और हर किसी को कि जी तूने पैसे ना दिए तो जान से मार देना है। इसको मारने की वजह क्या थी कि इसको मारा? मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मारने की क्या ऐसी दुश्मनी थी जो इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया? उसकी वजह यह थी कि कुछ 4-5 महीने पहले जब उसने FIR करवाई थी अब उनके उन्हीं के ऊपर, यानी इसी सेम थाने में हुई थी और नॉमिनेटेड भी FIR थी इन्हीं राफे लंबे पे और मौसम लंबे के ऊपर थी, कि जी इन्होंने मुझसे ये चीज़ें जो हैं बता लिया, लेकिन FIR होगी पुलिस की साजबाज से 392 की। बाद में उधर का कोई ASI था, उसने सुलह करवाई थी, लेकिन उन्होंने खुंदक रख ली मेरे भाई के साथ। फिर मेरे भाई के ऊपर फिर एक FIR हुई, मेरे भाई के ऊपर उन्होंने फिर हमला किया और फिर एक FIR हो गई। मेरा भाई बार बार FIRO में लिखता रहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मुझ पर फायरिंग हो रही है। 440 का एक FIR हुई, 392 की हुई, फिर एक 379 की हुई, ठीक है। उन तीनों FIRO में उसने बार बार कहा है कि मुझे ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे पर उन्होंने पिस्टल किया, फायरिंग भी खुद किया उन्होंने। जिस दिन ये कत्ल हुआ, हाँ जी, क्या ये प्री प्लान बना के ताकुब किए हुए थे इसका, या
ये प्री प्लान तक ताकब करके उन्होंने देखा है कि जी आज ये शादी पे आया हुआ है। और ये वो शादी पे आए हुए थे? हाँ जी, मेरा भाई बदर अपने दोस्त के ना भाई की शादी पे था, वहाँ से ये निकला है तकरीबन कुछ 10-10:15 बजे। और जब ये घर जाने लगा है तो उन्होंने पूछा, ये सारा उन्होंने एक प्री प्लान था, उनको पता था कि आज ही शादी पे आना है और आज हमने उसे अपनी कुंदक निकाल लेनी है, अपनी जो केड़ होती है उन्होंने जो रखी थी। आप भी साथ शादी पे वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, मैं भी शादी पे मौजूद था। ठीक है, तो वहाँ से जब ये निकला, लेकिन मैं थोड़ा पीछे था, ये आगे था। ठीक है, तो ये बाइक पर था, एक दोस्त था इसका फरीद, उसके साथ मैं, वो भी साथ था। मैं अपनी नहीं, ये उसके साथ जब गया तो जब फायरिंग हुई है ना, उसको पीछे से जब मेरे भाई को मारे हैं और फिर दिमाग में मारे हैं, तो वो गिर गई है मोटरसाइकिल। आप फुटेज में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस के पास भी मौजूद है, सारा कुछ है, एविडेंस है कि हर जगह के उसको जब पीछे से फायर लगे हैं, फिर उसको दिमाग में लगे हैं। जालिमों ने इतना जो जुल्म किया है कि उनको इतनी नहीं आई कि उसकी छोटी सी बच्ची है, ठीक है, 4-5 फायर लगे हैं उसको, 3 उसको पीछे से लगे हैं, 2 उसको दिमाग में मारे हैं। मतलब कि पहले उसको फायर लगे, 3 फायर उसकी कमर में मारे गए, जब भी उनका जी नहीं भरा। अभी वो जिंदा थे? हाँ जी, मतलब के वहीं पे अगर उनको छोड़ देते तो बचने के चांस थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल चांसेस थे कि वो अल्लाह पाक उनकी जिंदगी बढ़ा देते। बिल्कुल से जालिमों ने इस तरह किया कि दोबारा फिर आए आकर और इसके दिमाग में गोलियां मारी, सर में गोलियां मारी, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो। खून, जब खून पे लथपथ हो गया, उसने फिर ऐसे जब उसकी गोलियां लगी हैं तो उसने फोन किया अपने दोस्त को, एक को, कि दिलावर भाई के मुझे जो है ना, इसे मेरे गोलियां लगी हुई थी, फोन किया। जब उसे गोलियां लगी, उसने देखा कहीं पे ना कि मेरे पीछे लग गए हैं, उसने मोटरसाइकिल का भगा दे यार। हाँ जी, कमर पे, फिर उसने फोन किया, ऑन द रिकॉर्ड है, पुलिस के पास सीडी है, लोकेशन हर चीज है पुलिस के पास, ये भी पता कि इसने एंड 10:30 बजे कॉल की है और 30 सेकंड कॉल चली है, सीडीआर में ऑन द रिकॉर्ड है ये, कि उसने 4 नाम लिए हैं कि गोगा, गुजर, राफा, लम्मा और शरोज और टिड्डी, ये मेरे पीछे लग गए और इन्होंने मुझे जान से मार देना, ठीक है, और साथ ही उसका सांस उखड़ गया और उन्होंने आके उसको गोलियां फिर सर पे मारी है उतर के। और पुलिस जो है बिल्कुल सुनवाई, और गोगे को वो ये कहते हैं कि जी तो हमने जो इल्तवा में रखा हुआ है। अभी कितने जो मुल्जम है इसमें? सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो शरोज है वो मुश्ताक गुजर का बेटा है। 4 मुल्जम नॉमिनेटेड है, 2 नाम मालूम है जी, और इसमें जो मेन जो किरदार है, जो प्लानिंग है और जो सारा कुछ पुश्त बनाई है, वो मुश्ताक गुजर उफ गोगा गुजर की है। जो अभी एक मुल्जम अरेस्ट है तो उसके क्या बयानात है? उसने जुर्म इकबाले जुर्म कर, उसने बयानात ने वो जुर्म इकबाले जुर्म नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन वाला ये कहता है कि जी ये मौके पे मौजूद जरूर था, ना इसने फायर किए हैं और ना ही इसने कुछ किया है। तो जो था उसके साथ बाइक चला रहा था, वो मौके पे गवाह है, फरीद सलीम उसका नाम है, वो शादी है, वो कहता है कि जी इसने फायर मारे हैं, जब वो ऐसे मोटरसाइकिल गिरी है उसने देखा कि उतर के आगे इसने फायर मारे हैं। पुलिस का आपके साथ क्या कॉपरेट है? पुलिस कैसे तावन कर रही है? पुलिस तो मुलजमों को तो साथ बिठा के खाना खिला रही है। अच्छा। हाँ जी, मैं तो जब गया हूँ थाने, जब इसने शरोज को गिरफ्तार किया, वो भी उनकी बेल जब खारिज हुई है इंटरम, तो वो थाने में गया, उन्होंने गिरफ्तार खुद पेश किया है मुश्ताक ने, और टिड्डी को उन्होंने भगा दिया, नुमान रियाज जो है ना तीसरा शूटर जो है, उसको उन्होंने भगा दिया, और शरोज को साथ बिठा के वो खाने छाने खिला रहा है, और गोगा जो है प्रीप वो जी, और मुझे ये कहता है जी बिल मुशफ़ा कर लो, सुलह कर लो, भाई मेरा भाई कत्ल हुआ, मैं कैसे बिल मुशफ़ा कर लूँ इस टाइम? आपका भाई कत्ल हुआ, जैसे आपने देखा कि थाने में गए, वो बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ जी, मेरे पे तो क्या बीती होगी, क्या बीती होगी मेरे पे उस टाइम, क्या बीती होगी कि मैं उस टाइम के जी जिसने मेरे भाई को कत्ल किया और वो उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हाथों में भाई को उठाया होगा आपने। बस खून से लथपथ भाई को अपने हाथों में उठाया होगा, और वही मुल्जम जिन्होंने इतनी दीदा दलेरी से फायरिंग की, कत्ल किया, और वो पुलिस के साथ मिलकर जो है वहां पे खाने खा रहे हैं थाने में। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, मैं हर जगह जी DIG साहब के पास गया, SSP साहब के पास गया कि इसको पकड़ो, मुझे भी ये मारने की फुल धमकियां दे रहे हैं कि जी अगर तुमने केस की पैरवी की तो हम तुझे भी जान से मार देंगे। तो मेरे भाई को 4 महीने पहले धमकियां मिलती रही हैं, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अगर मुझे भी कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये महकमा जिम्मेदार है, कौन बंदा जिम्मेदार है, कौन इस चीज़ की वो लेगा कि जी हमारी जिम्मेदारी? मुतलका मुजरम जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं, एक मुजरम बराए नाम पकड़ा हुआ है और उसको भी गोश्त और रोटी से तवाजो की जा रही है, थाने में बिठा के बड़े बाइज्जत तरीके से उसकी खिदमत की जा रही है। तो जो मुतलका पुलिस है ये कोई तामन नहीं कर रही, लिहाजा ये आपके नोटिस में लाना ज़रूरी था, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, अल्लाह ताला आपको जजा दे। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, सारा वाक्या आपके सामने है, ये किस किस्म का एक गैंगस्टर है जो इस हद तक पहुंचा कि एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया
और उनके वालिदैन आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके भाई बैठे हैं जिनको अभी तक जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर आपने इस केस की पैरवी की तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे अभी वो कह रहे थे 4 माह पहले हमारे भाई को भी कत्ल करने की धमकियां मिलती रही हैं और हमने एप्लीकेशनें दी, हर थाने में गए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अब हमें कार्रवाई से रोकने के लिए जो है वो धमकियां लगाई जा रही हैं कि आप इस कार्रवाई से पीछे हट जाएं वरना आपको भी आपके भाई की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कानून अपना रास्ता कैसे लेता है। आईजी साहब क्या इसमें इनकी मदद कर सकते हैं? सीसीपी लाहौर साहब आप इनकी क्या इसमें मदद करते हैं? एक बुजुर्ग शहरी हैं जिन्होंने एक अपना बेटा खोया, एक बेटी ने अपना बाप खोया, एक बीवी ने अपना मियाँ खोया। खुदारा ऐसे गैंगस्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।